देखिए पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चला है देखिए चौकीदार, ये देखिए चौकीदार चौकीदार। अब देखिए अमित शाह का गुजरात में बैंक है, बीजेपी के प्रेसिडेंट के बैंक ने, एक बैंक ने 700 करोड़ रुपए बदल के दिया। उनका बेटा है, 50,000 रुपए का बिजनेस था, महीनों में 80 करोड़ रुपए का बिजनेस हो गया। अरुण जेटली जी, उनकी बेटी के बैंक अकाउंट में मेहुल चौकसी ने पैसा डाला है। जाने से पहले विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करके चला गया, जाने से पहले पार्लियामेंट हाउस में विजय माल्या अरुण जेटली से मिला। अरुण जेटली जी ने यह बात मानी कि हां 10,000 करोड़ रुपए वाला चोर जाने से पहले मुझसे मिला पार्लियामेंट हाउस में, सबके सामने मिला। क्यों मिला, क्या कारण था? आपके हाथ में सीबीआई, आपके हाथ में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप फाइनेंस मिनिस्टर, चोर आपके पास आता है कहता है मैं जा रहा हूं लंदन जा रहा हूं, आप कहते हो भैया हाथ जाइए, क्यों? तो इन सब ने गरीबों का पैसा लूटा है। अरुण जेटली जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, सबने लूटा है। उसके बाद कहते हैं अब हम गब्बर सिंह को लाएंगे, गब्बर सिंह टैक्स लाएंगे। आज तक हिंदुस्तान के किसी भी छोटे दुकानदार को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले को, छोटे बिजनेस वाले को नहीं समझ आई कि यह गब्बर सिंह टैक्स क्या है। मोदी जी ने कहा था एक टैक्स होगा, 5 अलग अलग टैक्स हैं, दिन भर टैक्स वाले तंग करते हैं दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को। अलग अलग फॉर्म भरते जाओ, हर महीने फॉर्म भरो। हमने निर्णय ले लिया है 2019 में हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हम सच्ची जीएसटी में बदल देंगे। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, एक टैक्स, कम से कम टैक्स और साधारण टैक्स। मगर एक बात से मुझे काफी दुख हुआ है, पिछले 5 साल में जो मैंने दो हिंदुस्तान की बात कही, नरेंद्र मोदी दो हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम महीनों से, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, महीनों से हमारी चर्चा चल रही है कि इसके बारे में हम क्या करें। हमारी प्लानिंग चल रही थी कि गरीबों को गरीबी से निकालने का क्या तरीका हो सकता है। यूपीएससी की सरकार ने 10 साल में 14 करोड़ लोगों को निकाला, 25 करोड़ लोग बचे हैं, और मुझे 21वीं सदी के हिंदुस्तान में 25 करोड़ गरीब लोग, यह शर्म की बात है, यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो हम 6 महीने से काम कर रहे हैं कि हम गरीबी के खिलाफ किस प्रकार से युद्ध शुरू करें और हिंदुस्तान से गरीबी को कैसे मिटाया जाए। बड़ी हमने बातचीत की, 2-3 चीजें सामने थी। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक अमीरों को पैसा दिया। अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए, 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ। जहां देखो आपकी जमीन छीन के ले जाते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। तो हमने सोचा ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी जी अमीरों को पैसा देते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा देगी।
ये हमने निर्णय लिया और फिर हमने सोचा कि ठीक है भैया कैसे किया जाए, तरीका क्या होना चाहिए और किसको और कितना पैसा मिलना चाहिए। बातचीत में एक दो चीजें निकली। एक बात निकली कि हमें 21वीं सदी में हिंदुस्तान में एक मिनिमम कम से कम आमदनी की लाइन बना देनी चाहिए, मतलब इस लाइन से नीचे, इस आमदनी लाइन से नीचे इस देश में एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल उठा कि ये कम से कम आमदनी की लाइन कितने रुपए की होनी चाहिए। मैं खुशी से आपको बताता हूं, गर्व से आपको बताता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के एकदम बाद हिंदुस्तान की मिनिमम कम से कम आमदनी लाइन 12,000 रुपए प्रति महीना होगी। 12,000 रुपए हर महीना हिंदुस्तान की कम से कम आमदनी लाइन होगी। अब आप मुझसे कहोगे ठीक है भैया, आपने निर्णय ले लिया कि 12,000 रुपए हर महीने कम से कम आमदनी लाइन होगी तो क्या हुआ। तो मैं आपको बताता हूं, जो भी इस लाइन से नीचे है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, स्त्री पुरुष जो भी है, किसी भी प्रदेश का, उसको कांग्रेस पार्टी उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उसकी कम से कम आमदनी को 12,000 रुपए बना देगी। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, मतलब हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों को, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, बम फटेगा, हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दे देगी। मतलब गरीबी पे ये कांग्रेस पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। उन्होंने गरीब को मिटाने का काम किया, हम अब गरीबी मिटाने का काम शुरू कर देंगे। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, 72,000 रुपए हर परिवार को साल का, 5 साल में 3,60,000 रुपए उस परिवार के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल देगी। ऐसा काम इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 21वीं सदी में हमारे देश में, इस महान देश में एक भी गरीब व्यक्ति हो। अगर एक भी गरीब व्यक्ति होगा, हम उसके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालकर उसे गरीबी रेखा से, मिनिमम इनकम लाइन से ऊपर कर देंगे। अब नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी कहते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, मोदी जी आपने 15 लाख रुपए देने की बात की थी, आपने 1 रुपया नहीं दिया। मैं 15 लाख रुपए नहीं कहूंगा, मगर मैं 72,000 रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा। अब देखिए, आप मेरे जितने भी भाषण देखना चाहते हैं देख लीजिए,
पिछले चुनाव में मैंने कर्जा माफी का वायदा किया था, तीन प्रदेशों में कहा था 10 दिन के अंदर हो जाएगा, 2 दिन के अंदर हुआ। मनरेगा की लड़ाई लड़ी, पूरे देश में आपको मनरेगा दिया। भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, जमीनी अधिकरण बिल कांग्रेस पार्टी ने करके दिया। भाई और बहनों, जो हम कहते हैं हम करते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, स्कीम का नाम न्याय है। पूरे हिंदुस्तान में न्याय होगा, न्याय चलेगा, और गरीब से गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हम न्याय स्कीम के माध्यम से 72,000 रुपए साल के डाल देंगे। मैंने जैसे कहा, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पार्टी है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के गरीब के लिए काम करके दिखा देगी। सबसे बड़ी मुश्किल देश के सामने बेरोजगारी की, जहां भी देखो बेरोजगार युवा, नोटबंदी, जीएसटी, ये काम करके नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। हमारी सरकार गरीबी के खिलाफ, गरीबी से लड़ाई लड़ेगी, मगर बेरोजगारी को भी मिटाने का काम हम करेंगे। हम आपको 50-60 चीजें नहीं बोलेंगे, मगर हम आपको यह बोलेंगे कि किसान की रक्षा और युवाओं को रोजगार, हम अपना पूरा खून पसीना पूरा समय लगा के आपको दे देंगे। बेरोजगारी क्यों है मैं आपको बताता हूं, बेरोजगारी क्यों है मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के सब बैंक्स जो हैं, इनको नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 लोगों के हवाले कर दिया है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ऐसे लोगों को, जो युवा है, जो छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, उनको बैंक से एक रुपया नहीं मिलता। तो हम उनके लिए, युवाओं के लिए, छोटे बिजनेस वालों के लिए हिंदुस्तान के बैंक का दरवाजा खोलेंगे और आपको आसानी से बैंक लोन दिलवाएंगे। हिंदुस्तान के युवा देश की मदद करना चाहते हैं, हर युवा अपना छोटा बिजनेस खोलना चाहता है, मगर बैंक के दरवाजे बंद है। बैंक की चाबी अनिल अंबानी के हाथ में, नीरव मोदी के हाथ में, मेहुल चौकसी के हाथ में। हम बैंक की चाबी नीरव मोदी के हाथ से छीनकर आपके हाथ में डाल देंगे। किसान दिन भर खेत में काम करता है, चिलचिलाती धूप में काम करता है, और फिर मंडी में जाके उसे सही दाम नहीं मिलता, अपना माल वो नहीं बेच पाता सही दाम पर। हम आपके खेत के बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाएंगे, जहां आप आलू उगाते हो आलू के चिप्स का, टमाटर केचप का, सोयाबीन के तेल का, जो भी आप उगाते हो उसका कारखाना आपके खेत के बिल्कुल पास लगेगा, और आप सीधा उस कारखाना में जाके अपना माल बेच पाओगे और आपका माल पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। आपके खेत को हम सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों से नहीं जोड़ेंगे, हम आपके खेत को दुनिया के शहरों से जोड़ देंगे, कि आपका माल सीधा सिर्फ हिंदुस्तान के शहरों में ना जाए, अमेरिका के शहरों में, चाइना के शहरों में, जापान के शहरों में, इंग्लैंड के शहरों में जाए, और आपको अपने माल के लिए सही दाम मिले, आपकी मेहनत के लिए सही दाम मिले। यह काम हम आपके लिए करना चाहते हैं, ऐतिहासिक काम है। और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जो आपके साथ पिछले 5 साल में अन्याय मिला, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा छीनकर, माताओं बहनों आपके जेब से, आपके घर से
जो पैसा उन्होंने छीना, जो उन्होंने नीरव मोदी के जेब में डाला, मैं बहुत खुशी से आपको कहना चाह रहा हूं वो पैसा हम वापस आपके बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, इतनी गर्मी में दूर से आए आप मुझ पर भरोसा करते हो, जो मैं आपसे कहता हूं आप जानते हो कि मैं आपसे सच्चाई बोलता हूं। दिल का रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, झूठ का रिश्ता नहीं है, अन्याय का रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है। इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।